नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में क्या है पहचानते तो होंगे ही आप, लॉलीपॉप। महंगाई के दौर में लॉलीपॉप का भी साइज थोड़ा छोटा जरूर हो गया है, लेकिन इस लॉलीपॉप का रिश्ता चुनावी मौसम में प्रतीक के तौर पर मतदाताओं और पार्टियों के बीच बन जाता है। जब सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से मतदाताओं को रिझाने के लिए, वोटर्स को पटाने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए, एक तरह से कहें उनको अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के लॉलीपॉप दिखाती है, लॉलीपॉप बांटती है, लॉलीपॉप का झांसा देती है, और बात जब बीजेपी की हो तो कहना ही क्या। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किसानों को कल लॉलीपॉप दिखाया गया है, लॉलीपॉप मिलेगा नहीं। और लॉलीपॉप का इस्तेमाल प्रतीक के तौर पर ऐसे ही किया जाता है, दिखाया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उस लॉलीपॉप को आप खा पाए। तो किसानों को लॉलीपॉप क्या दिया गया है, कल आज के कुछ अखबारों में खबर छपी है। लॉलीपॉप ये कि 5 फसलों की MSP बढ़ाई गई है, यानी 5 लॉलीपॉप, 5 तरह के किसानों को लॉलीपॉप, या 5 फसलें पैदा करने वाले किसानों को लॉलीपॉप। आज अखबारों में जो खबर छपी है, कल शाम को सरकार की तरफ से घोषणा की गई, जिसके मुताबिक गेहूं के जो किसान हैं, गेहूं की फसल जो पैदा करते हैं, उनकी जो कीमत MSP की 2125 थी, 150 का इजाफा कर दिया गया प्रति क्विंटल, तो 1 लॉलीपॉप गेहूं के किसानों के लिए। जौ की फसल पैदा करने वाले किसानों के लिए 1735 जो MSP थी प्रति क्विंटल, उसको 1850 कर दिया गया, मतलब 115 बढ़ाया गया प्रति क्विंटल। दूसरा लॉलीपॉप जौ के किसानों के लिए। तीसरा लॉलीपॉप चना पैदा करने वालों के लिए, 5335 प्रति क्विंटल MSP थी, जिसे बढ़ाकर 5440 किया गया, यानी 105, मतलब तीसरा लॉलीपॉप चना के किसानों के लिए। चौथा लॉलीपॉप मसूर पैदा करने वाले किसानों के लिए, हालांकि साइज थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं इसमें, मसूर पैदा करने वाले किसानों के लिए, दाल के किसानों के लिए 6000 प्रति क्विंटल जो MSP थी, उसको बढ़ाकर 6425 किया गया, यानी 450 प्रति क्विंटल MSP, ये एक लॉलीपॉप। और उसके बाद सरसों पैदा करने वाले किसानों के लिए 5450 की जो कीमत थी प्रति क्विंटल, उसे 5650 किया गया, मतलब 100 रुपये का प्रति क्विंटल का लॉलीपॉप। अब ये लॉलीपॉप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि MSP को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण संसद से लेकर रैलियों तक में, MSP जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। लेकिन हकीकत क्या है, जब MSP पर किसान फसल बेचना चाहते हैं, क्या किसानों की फसल MSP पर बिकती है? यूपी, बिहार, बंगाल और तमाम ऐसे राज्यों के, राजस्थान, तमाम ऐसे राज्यों के किसान कैसे फसल बेचते हैं, कैसे फसल उनकी MSP से कम पर 20%, 30%, 40% भी कभी MSP से कम पर बिकती है। लेकिन सरकार जब ऐलान करती है, प्रधानमंत्री मोदी जब नारे बुलंद करते हैं, MSP जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, और अखबारों की सुर्खियां जब छपती है, जैसे आज दैनिक जागरण की सुर्खी है, दिवाली से पहले किसानों की भरेगी झोली, कैबिनेट ने लगाई मुहर, हालांकि किसानों के साथ केंद्रीय कर्मियों भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। तो ऐसा लगता है दिवाली के पहले बहुत कुछ किसानों को इस ऐलान के बाद फायदा होने वाला है, और दिवाली के बाद सबकी फसल MSP पर बिकने वाली है। लेकिन दरअसल ये सिर्फ लॉलीपॉप है। कैसे है, इसी वीडियो में आगे NK सिंह, जो कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 दशकों का अनुभव है, खेती किसानों किसानी को बहुत करीब से, बारीकी से, आंकड़ों के लिहाज से जानते हैं, आगे विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार का चुनाव के पहले छलावा है, धोखा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी होने हैं 1 महीने बाद, और उसके बाद 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव, तो देश की बहुत बड़ी आबादी चूंकि किसानों की है, इसलिए मोदी सरकार ने एक बार फिर उन्हें लॉलीपॉप दिया है चुनाव के पहले, फंसो हमारे जाल में। और मैं अभी मध्य प्रदेश में था, मुरैना में, कृषि मंत्री का इलाका, नरेंद्र सिंह तोमर का इलाका, और मुरैना में बाजरे की खेती करने वाले किसान कैसे मंडी में 2450 और 2500 MSP जिस बाजरे की कीमत की है, वो 1800-1900 में अपनी फसल बेच रहे थे। मैंने अपने 3 या 4 वीडियो में दिखाया था, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वो उन किसानों की जो मंडी में जाकर 500-600 रुपये कम में प्राइवेट व्यापारियों को मजबूर होकर फसल बेच रहे हैं, उनकी फसल MSP पर नहीं बिकती है। लेकिन अखबारों की सुर्खियां जब दिखेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि अब तो जो किसान हैं वो सब MSP पर बेचेंगे, उनकी कीमत बढ़ गई, उनको फ़ायदा हो गया, किसी को 200 रुपये, किसी को 150 रुपये, किसी को 450 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन इसमें धोखा है। क्या धोखा है और कैसे छलावा है MSP, कैसे चुनाव के पहले MSP का ये ऐलान करके किसानों को पटाने फंसाने की कोशिश की गई है, विस्तार से इसी वीडियो में
एनके सिंह आपको बताएंगे। बारीकी से समझिए और सोचिए कि सरकारें एमएसपी का वादा जब करती है तो जमीन पर एमएसपी पर फसल बिकती है, कितनी बिकती है, किन राज्यों में बिकती है, और नहीं बिकती है तो फिर किसान मजबूर होकर कैसे सस्ते में फसल बेचता है, इतनी कम कीमत लगती है जिसमें कई बार किसानों को लागत नहीं मिलती। विस्तार से सुनिए एनके सिंह के इस वीडियो में और समझिए कि मैंने क्यों कहा कि चुनाव के मौसम में, चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये 5 लॉलीपॉप दिए गए हैं, 5 तरह की फसल पैदा करने वाले किसानों। अब सुनिए एनके सिंह। नमस्कार, मैं एनके सिंह। हाल में मोदी जी ने जो चुनाव दौरे किए तो इसका उनको एहसास हो गया है कि मामला गड़बड़ है और वो जो पहले इकबाल होता था, मकबूलियत होती थी, वो शायद अब गिर रही है, साख घट रही है, इसका अंदाजा उनको हो गया है। लिहाजा अब वो लास्ट डिच अटेम्प्ट कहते हैं अंग्रेजी में, सेना में चलता है ये मुहावरा, लास्ट डिच अटेम्प्ट, तो वो अंतिम खाई पे आके जो अटेम्प्ट होता है अपने को बचाने का वो कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा पहला उन्होंने कल किया और उसमें एमएसपी किसानों को दिया। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये एमएसपी है क्या और ये एक्चुअली किसानों को कितना नुकसान कर रहा है, जिसको कि सोशेबाजी दी जा रही है। तो कल उन्होंने अनाउंस किया रबी के लिए, रबी के 6 फसल होती हैं जिसमें, और रबी मेन फसल होता है, 14 फसल खरीफ की होती है, तो 6 फसल में कल अनाउंस किया। अब देखिए जो भक्त अखबार और चैनल होते हैं वो कैसे करते हैं, तो इसके लिए हेडिंग दी गई है, दिवाली से पहले किसान केंद्रीय कर्मियों की भरेगी झोली, किसानों की झोली भर जाएगी। ऐसा लग रहा है कि ये एमएसपी 150 रुपया गेहूं का दे के मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि कल किसान का बच्चा कार से स्कूल जाएगा, टाई लगाएगा और पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा, किसान बड़े से बड़े अस्पताल में अपना इलाज कराएगा, कुछ इस तरह का ये ध्वनि दे रहा है। दिवाली से पहले किसानों की भरेगी झोली, कैबिनेट ने लगाई मोहर, मतलब वो पूरा सेंटेंस कहना होता तो ये कहते मोदी जी ने लगाई मोहर। अब ये है क्या, एमएसपी आपने डिक्लेयर कर दिया और एमएसपी डिक्लेयर कर दिया, 6 रबी की फसलें होती हैं, 14 खरीफ की होती हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप होती हैं, नगदी फसल जिसे कहते हैं, तो ये 22 के लिए एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, तो रबी के लिए ये डिक्लेयर किया है जो कि 2023-24 के मार्केटिंग सीजन में होता है। अब जरा आप देखिएगा, ये जानते हैं जो 6 आइटम्स पे किए हैं ये कितने परसेंट बढ़ोतरी है पिछले साल के मुकाबले, 2% से 7%, जरा गौर कीजिएगा, 2% से 7%। उसमें भी गेहूं में अगर आप देखेंगे 150 की किया है और 150 कितना हुआ, 5% के आसपास हुआ, 5% से भी कम, जो गेहूं मेन फसल होती है। 2% से 7% की बढ़ोतरी एमएसपी में करके मोदी जी ये कहलवा रहे हैं अखबारों से और पूरे दुनिया में कि साहब अब तो झोली भर गई किसानों की। हर साल मोदी जी ऐसे ही झोली भर देते हैं और किसान पता लगा कि अभी तक बिना कपड़े के खड़ा है सड़क पे, और ये वाला जो एमएसपी दिया गया है, हम आपको ये बताएंगे कि कैसे उसकी जो एक बची खुची अंडरवियर है वो भी मोदी जी लेके चले जाएंगे, वो बेचारा नंगे खड़ा होगा। 2% से 7% ये इजाफा है। 6 जीन्स है और 6 जीन्स के अगर हम आपको बताएं तो एक में 2125 था, जैसे गेहूं है 2125 था, इसमें 150 पड़ा है, कितने प्रतिशत पड़ा ये आप जोड़ लीजिए। 105 चना में मिल रहा है जबकि 5335 का इसका मूल्य है, 5335 मूल्य है, 2% भी नहीं पड़ रहा है चना में। दाल, जिसकी बड़ी क्राइसिस है भारत में, दाल में 425 पड़ रहा है जबकि 600 था और इसको 6425 किया है, कितने परसेंट पड़ा जरा जोड़ लीजिएगा। मतलब क्या है, 2% से 7% साल भर बाद आप दे रहे हैं एमएसपी कह के, इस बीच में इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, इस साल जिस साल किसानों को अपने बेटे के लिए किताब खरीदनी है, अगर वो गेहूं उगाता है तो सब्जी खरीदनी है, दाल उगाता है तो चावल खरीदना है, उस किसान को इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है
उसके हिसाब से 7.44% है। जो महंगाई बढ़ी है वो 7.44 है और मोदी जी 2% दे रहे हैं एमएसपी, तो कह रहे हैं किसानों की झोली भरी, किसान मालामाल हुआ। अखबारों में भक्त अखबार यही लिख रहे हैं कि किसान मालामाल हुआ। अब आप इसको दूसरा देखिएगा, पिछले साल 6.7% इन्फ्लेशन था, पिछले साल भी आपने यही किया, 5% से ऊपर कोई भी एमएसपी नहीं बढ़ा था, तो किसानों की जेब लूटी जा रही है। लेकिन डायरेक्ट ये कहा जा रहा है कि साहब एमएसपी देखे तो किसानों को तो बिल्कुल बालामाल कर दिया है, किसान अब कोई छोटी मोटी कारों से नहीं घूमेगा, अब तो वो हो सकता है कि बड़ी बड़ी कारें लें, 50 लाख की कार खरीदे। इस तरह का एक मैसेज दिया जा रहा है, मोदी जी का एक बड़ा डेस्परेट अटेम्प्ट है। अब इसी मोदी जी की सरकार ने जून में लोकसभा में कहा था, ये 2022 की बात है, कि साहब टोटल हम 14% किसानों को एमएसपी पे उनसे खरीद करते हैं। जरा गौर कीजिएगा, उसके एक साल पहले 2021 में 2.4 लाख किसानों से खरीदा गया था, पिछले साल 2.10 करोड़ किसानों से खरीदा गया। ये 14% होता है, 14% किसान। और ये कौन है? जो बड़े किसान हैं, जो मजबूत किसान हैं, उनका खरीदा जाता है। तो लाभ किसको मिल रहा है? वो मजबूत किसान जो सच पूछिए तो सिकमी किराएदारी, वो किसान खेती करते भी नहीं है, वो छोटे छोटे उनसे कराते हैं और उसका लाभ उनको मिल जाता है जब वो फसल होती है। तो ये 14% किसानों को मालामाल कर रहे, जैसा अगर मालामाल कर रहे तो सिर्फ 14% किसान ही है जो कि एमएसपी पे अपना माल बेचता है, सिर्फ 14%। लेकिन कहा यह जा रहा कि साहब किसानों की तो झोली भर गई, किसानों को तो मालामाल कर दिया एमएसपी देके, सिर्फ 14% किसान इसमें अपना वो देता है। अब इसको भी छोड़िए, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, हम चाहते हैं कि आपको ये पूरी हकीकत बताएं। ये रिपोर्ट है एमएसपी पे। दरअसल मोदी जी ने एक बहुत बड़ा किसानों के साथ धोखा किया, वो इनडायरेक्ट धोखा है। और आज हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं आपको यही बताने के लिए कि किसानों के साथ एक्चुअली धोखा कितना बड़ा हुआ है। ये किसान बेचारा अपनी बड़ी मुश्किल से अनाज उगाता है, तिलहन दलहन उगाता है, रिस्क रहता है उसको, दलहन में तो आप जानते हैं कितना रिस्क रहता है, तिलहन में पाला पड़ जाए तो क्या रिस्क रहता है। इसके बावजूद वो जब उगाता है तो होता क्या है, आप ताजुब करेंगे कि जब गेहूं की फसल ज्यादा हुई, जैसे ही गेहूं की फसल ज्यादा हुई और ये लगा मोदी जी को कि ज्यादा हो जाएगी तो इसको एमएसपी पे लेने की जगह मोदी जी एक्सपोर्ट, हमारे पास एक रास्ता था आपके इंटरनेशनल मार्केट में, अमेरिका के सिएटल मार्केट कहते हैं, में काफी अच्छा गेहूं का रेट था, यहां तक कि करीब 2200-2400 रुपए वहां पे बिक रहा था, सिएटल मार्केट में काफी अच्छा उठान था। मोदी जी ने जैसे ही देखा कि एक्सपोर्ट होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, मोदी जी ने 2 साल से गेहूं का एक्सपोर्ट रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो पॉलिटिकल इश्यू बन जाता है, किसान बेचारा तो नहीं इतना वोकल होता है, लेकिन अगर महंगाई बढ़ी तो पॉलिटिकल मुद्दा बन। मोदी जी कतई नहीं चाहते थे कि 2024 के चुनाव में महंगाई मुद्दा बने। नतीजा क्या हुआ? चावल, गेहूं, गन्ना, मतलब चीनी, इन तीनों का एक्सपोर्ट रोक दिया, और इधर दाल की महंगाई ना हो इसके लिए दाल इंपोर्ट कर दिया। किसान बैठ गया, किसान कराहने लगा दर्द से, क्योंकि उसके प्राइसेस, ये जो एमएसपी दे रहा है इस पे तो कोई खरीदता नहीं है, उससे नीचे मार्केट प्राइसेस रही हैं, जिसके बारे में अभी अजीत जी ने कई वीडियोस किए हैं और बताया है कि वहां की मंडी में जाके जब व्यक्तिगत रूप से देखा तो किसान चीख चीख के कह रहे थे कि हमारा ये जो रेट है, ये जैसे कि मान लीजिए बाजरे का है, बाजरे का रेट 2200 रुपए है और वो 1900 से कम में बिक रहा था, 1890 1880
किस रेट पे बिक रहा था, वो किसान मतलब कितना दर्द से करा रहा होगा। तो मोदी जी ने क्या किया कि एक बड़ा घटिया समझौता किया, महंगाई न बढ़े, क्योंकि उससे होता यह है कि अखबारों में, मीडिया में और सोशल मीडिया में जनता जो वोकल सेक्शन है वो बड़ी नाराज होती है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन जाता है चुनाव के दौरान। मोदी जी ने महंगाई ना बढ़े इसके लिए पूरी जुगाड़ शुरू किया। अब वो किस कॉस्ट पे होगा? अगर ये एक्सपोर्ट अलाउ करते तो किसान वाकई मालामाल होता, कम से कम अच्छी स्थिति में होता। एक्सपोर्ट 2 साल से इन्होंने गेहूं का बंद कर दिया, चावल का बंद कर दिया, यहां तक कि प्याज अभी जब पैदा हुआ तो प्याज का एक्सपोर्ट भी रोक दिया, उस पर टैक्स बढ़ा दिया। तो आप समझ सकते हैं कितना इनडायरेक्टली किसानों को दबाया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? एक्सपोर्ट बंद किया तो जो राज्यों में, जैसे 5 राज्यों में चुनाव है, तो जो राज्य बीजेपी के हैं उनकी तो हिम्मत नहीं कि कुछ बोले केंद्र सरकार से, तो उन्होंने उसको ऐसे ही कबूल कर लिया और नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मच गई है। किसान बेहद नाराज है क्योंकि उसका प्रोडक्ट, मैं आपको ये लिस्ट दिखाता हूं, ये मध्य प्रदेश की लिस्ट है। अगर आप देखें तो ये लाल निशान जो आप देख रहे हैं ये एमएसपी से नीचे बिकने वाले जींसों के निशान है, आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश की है। और सबसे बेहतर अगर हुआ है तो छत्तीसगढ़ में, इसमें कोई भी लाल निशान के नीचे नहीं है, सब एमएसपी से ऊपर मार्केट प्राइस में किसान बेच रहे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, ये किसान जो छत्तीसगढ़ के, उसमें किया क्या? उसमें वहां की सरकार ने, जो राज्य सरकार थी, उसने जो एमएसपी देते हैं उस पर 600 रुपया एक्स्ट्रा दिया बोनस, और जम के खरीदारी की। मध्य प्रदेश की यह हिम्मत नहीं थी क्योंकि मोदी जी के आदेश जो हैं उससे अलग हट के आप कैसे करेंगे, तो मध्य प्रदेश ने ऐसा कुछ नहीं किया, लिहाजा मध्य प्रदेश में ये पूरा लाल लाल। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी है, मध्य प्रदेश में किसान नाराज है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है? आपके सामने देखा कि सारा हरा है, मतलब कि एमएसपी से ऊपर के प्राइसेस पे बिक रहा है। कमोबेश यही चीज राजस्थान में है, लेकिन कुछ जींसों के लाल है निशान, ये आप देख रहे हैं कुछ के लाल है। और दूसरा तेलंगाना बहुत कम लाल है, बाकी जो मेन फसल है वो काफी ऊपर है। वजह क्या है? जो मोदी जी के दबाव में नहीं है, जो गैर बीजेपी सरकारें हैं उन्होंने एमएसपी से ऊपर बोनस देना शुरू किया, जैसे तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार का जो मॉडल है वो तो केंद्र सरकार भी अब लेने जा रही है, तो तेलंगाना सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, इन लोगों ने किसानों को वो राहत दी। लेकिन मोदी जी ने धीरे से एक्सपोर्ट रोक के किसानों को खत्म कर दिया। अब ये दर्द से चूंकि वो करा रहे हैं तो इसका उपाय क्या है? चुनाव सामने है और अगर वो देखता है कि छत्तीसगढ़ का किसान मालामाल हो रहा है, उससे कम गेहूं पैदा करके छत्तीसगढ़ का किसान मालामाल हो रहा है क्योंकि वहां पे 600 रुपया बोनस एक्स्ट्रा दिया जा रहा है और धान वहां पे करीब 2200 रुपए बिक रहे थे और 2800 रुपए बिक रहा है, तो जो मध्य प्रदेश का किसान है वो गुस्से में आ जाता है कि हमने कैसी सरकार बनाई जो कि हमें डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे रख रही है। इसका नतीजा क्या हुआ? जबरदस्त नाराजगी मध्य प्रदेश के किसानों में हुई, जिसकी चर्चा अजीत जी ने अपने वीडियो में किया है। 2-3 बार गए और वहां पे देखा कि क्या स्थिति है बाजरे की, और बाजरे के लिए बहुत जोर लगाया जा रहा है कि साहब बाजरा पैदा कीजिए, लेकिन हश्र उसका ये हो रहा है। तो मोदी जी ने जो घटिया समझौता किया कि महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, खास करके अनाज की और चीनी की, क्योंकि ये सब चीजें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो चावल, गेहूं, चीनी, इनकी महंगाई नहीं बढ़ी, यहां तक प्याज की भी नहीं बढ़ने दी, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों को दबाने का एक कुचक्र हुआ। अब मोदी जी की समस्या ये हो गई कि किसान अब ये समझने लगा है, किसान ये जो इस तरह इनडायरेक्ट शोषण है वो किसान को अब समझ में आने लगा है, क्योंकि वो बगल में छत्तीसगढ़ को देख रहा है, वो बगल में दूसरे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को देख रहा है, तो उसको देख रहा है कि वहां पे तो ये मिल रहा है, जैसे तेलंगाना में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, तो उसके समझ में आ गया कि ये शोषण हमारी सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है।
अब मोदी जी ने उसी को लेके आज जो ये एमएसपी डिक्लेयर किया है वो उसी का है। और भक्त चैनलों से, भक्त अखबारों से ये लिखवाया जा रहा है कि किसानों की झोली भरी, आप 150 रुपया दे देंगे, 2125 से 2275 कर देंगे तो किसानों की झोली भर जाएगी और वो पोर्श कार में घूमने लगेगा, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाएगा, उनके बेटे टाई लगा के स्कूल जाएंगे, पब्लिक स्कूल पे, कुछ ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है। पर ये पहला पक्ष है। उधर सीएसईपी ने क्या किया, जो कि ये प्राइस डिसाइड करता है, उसने आज ही अभी कल ही एक रिपोर्ट दी कि भाई बंद कीजिए ये एमएसपी, और खास करके गेहूं चावल के एमएसपी को बहुत सेलेक्टिव रखिए, क्योंकि इससे एक्सचेकर को क्या होता ये है कि ये जो एमएसपी आप देखते हैं ना, इस पे रख रखाव में सरकार को करीब 40% एक्स्ट्रा पड़ते हैं। जैसे चावल में 800 रुपया बढ़ जाता है कीमत, मान लीजिए कि चावल का अगर उन्होंने एमएसपी दिया है 2000 रुपया, तो सरकार को कीमत इसकी 2800 रुपये पड़ती है, तो भयंकर घाटा है। तो सरकार को ये सलाह दी गई है कि एमएसपी का धंधा ही बंद कर दीजिए, किसानों का कोई भी माल खरीदने की जरूरत नहीं, जितनी आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम में जरूरत है उतनी खरीद लीजिए, और वो करीब 38 बिलियन टन होता है खरीदना, उससे काम चल जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए खरीद लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। किसानों को उसकी जगह ऐसा पेमेंट कीजिए जो मार्केट रेट और एमएसपी के बीच का गैप है, वो पेमेंट कीजिए। नई सलाह आई है, देखना है, क्योंकि इसमें होगा ये कि ये भावांतर भुगतान योजना के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, उसमें मैनिपुलेशन हुआ और फेल हो गई, करप्ट सिस्टम है, वो चल नहीं पाता है, तो दूसरा इसका ये हश्र होगा। अब मैंने कहा था कि लास्ट डिच अटेम्प्ट मोदी जी करने जा रहे हैं, लास्ट डिच अटेम्प्ट में एक और होगा। पहले तो किसानों को उन्होंने ये दिया, एमएसपी का ये लॉलीपॉप पकड़ा रहे, जो कि कुछ है ही नहीं है, किसान इससे गुस्से में और आ जाएगा, क्योंकि उसका कहीं भी सामान बिकने नहीं जा रहा है, और आप जानते हैं जब चुनाव होगा उसी समय उसकी फसल तैयार होगी, देखना यह है कि क्या फसल तैयारी के टाइम में कुछ और भी ये करेंगे, अपना गोदाम खोलेंगे। दूसरा, ये जैसे ही चुनाव खत्म होगा, वर्तमान चुनाव जो 5 राज्यों में चल रहा है, तो इसके रिजल्ट तो बहुत कुछ समझ में आने लगा है, मोदी जी को भी समझ में आ रहा है, वो क्या करेंगे कि उसके बाद जो तथाकथित किसान सम्मान निधि है, आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में किसान की जो लागत है खेती की, वो जितने प्रतिशत बढ़ी है, उसका 10वां हिस्सा भी कृषि के प्राइस, उनके उत्पाद की प्राइस नहीं बढ़ी है, लिहाजा वो लगातार गरीब होता गया है। ये अभी आपको कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो में बताया भी था कि किस तरह 10 वर्षों में, बल्कि 12 वर्षों में, जो लागत है किसान की वो अगर 180% बढ़ी है, तो एक्चुअल कॉस्ट 100 से कम 70% 80% बढ़ी है, लिहाजा किसान गरीब होता जा रहा है। अब मोदी जी करेंगे क्या, ये किसान एक बड़ा वोटर ब्लॉक बन गया है, तो अगला उनका स्टेप ये होने जा रहा है कि तथाकथित सम्मान निधि, किसान, जब किसान को आप नंगा कर देते हैं, गरीब कर देते हैं, सड़क पे बिना कपड़े के खड़ा होता है, तो आप उसका सम्मान करते हैं, मोदी जी उसका सम्मान 17 रुपया रोज देके कर रहे थे, अब इस 17 रुपये को वो 23 रुपये करने जा रहे हैं, कि रोज आपको 17 की जगह 23 मिलेंगे और आप हमें वोट दीजिए। तो ये अगली स्ट्रेटजी मोदी जी की होगी। तो किसानों के लिए दो स्ट्रेटजी, एक तो एमएसपी आपने देखा दगा के, और ये कहा गया कि साहब किसानों की झोली भरी। अगला ये होगा कि जब चुनाव खत्म होंगे, या हो सकता है चुनाव के दौरान ही करें, अगली कोशिश ये होगी कि चुनाव की किसानों की सम्मान निधि को 17 रुपये जो रोज होते हैं उसको बढ़ा के 23 रुपया किया जाएगा, यानी 6000 सालाना से बढ़ा के 8000 सालाना किया जाएगा। ये दो करके मोदी जी समझेंगे कि हमने किसानों को तो अपने पाले में कर दिया है, जबकि स्थिति उल्टी है। अगर आपको स्थिति हम बताएं तो इतनी भयावह है, एक तो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है बाकी चीजों की, अभी आप देखते हैं 3 दिन पहले रिपोर्ट आई कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है वो सीपीआई जिसको कहते हैं, सीपीआई
5.2% हो गया है, ये कहा गया कि साहब अब कम हो रहा है, कम हो रहा है, 5.2% होगा जो कि 7.6 तक गया है, बल्कि इससे भी ज्यादा रहा है कुछ महीनों में। अब ये कहा जा रहा है कि साहब इसको हम कम कर रहे हैं। यहां से अब अगला जो होगा, आपको याद होगा कि सिर्फ 14% किसान ही एमएसपी पे देता है, इससे ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि वो गरीब किसानों का तो बाल डांट के भगा देते हैं। और एक नेक्सस है जिसमें कि एमएसपी सिर्फ बड़े किसान जो आढ़तीय भी हैं उन्हीं का माल बिकता है। तो कोशिश ये होगी मोदी जी की कि एमएसपी पे कुछ अब की संख्या बढ़ाएं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि 150 रुपया दे के आप कोई किसानों का बहुत बड़ा लाभ करने नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिला के किसानों के साथ एक मोदी जी बड़ा छलावा कर रहे हैं एमएसपी देके, और बता ये रहे हैं कि किसानों को मालामाल कर दिया गया, कल वो अंबानी के बगल में बैठेगा, अडानी से लोहा लेगा, क्योंकि अडानी ऐसा वो समर्थ हो जाएगा। ये हवा बनाई जा रही है, और जबकि उल्टा है कि जहां इन्फ्लेशन रेट जनरल, और ये हमने ये नहीं बताया उसके बच्चे की फीस कितनी बढ़ी है, उसका दवाई का खर्चा कितना बढ़ा है, अगर ये लेंगे आप तो वो इन्फ्लेशन करीब 30% के आसपास होगा, दवाई का खर्चा, बच्चे की पढ़ाई की फीस, किताब, कपड़े, जो गैर अनाज आइटम हैं उसको अगर आप देखेंगे तो ये महंगाई उससे काफी ज्यादा है। लेकिन हमने उसको छोड़ भी दिया तो जनरल इन्फ्लेशन रेट अगर 7.6% इस साल रहा है, तो मोदी जी ने 2% और 6% तक दे के मुझे लगता है किसानों की जो चड्डी थी वो भी खींच ली है। अब वो बेचारा अकेले खड़ा है, नंगे खड़ा है। देखना है कि चुनाव में किसान किस तरह से व्यवहार करता है। फिलहाल हम आपको इन मुद्दों पे बताते रहेंगे और जो बारीकियां हैं वो बताते रहेंगे, क्योंकि भक्त अखबार चीजों को बिल्कुल उल्टा करके बताएंगे तो हमारी जरूरत है, ये हमारी प्रोफेशनल मजबूरी है कि हम आपको वो सत्य बताएं जिसको मोदी जी और उनके भक्त लोग छिपा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए।